हेलो जी नमस्कार, मेरा नाम है शेफ हरपाल और मेरे संग आज बहुत स्पेशल गेस्ट हैं प्राची मिश्रा। आपने इनको बहुत जगह देखा है, मिस इंडिया रह चुकी है, बॉलीवुड में मूवीज कर चुकी हैं, लेकिन खाने की शौकीन जो है पूरी है। तो जब भी इंडिया आती है घूम फिर के, तो हम कहीं ना कहीं इनको पकड़ लेते हैं और इनके साथ मिलके कुछ ना कुछ बना लेते हैं। तो खाने में एक्सपर्ट है प्राची, क्या पसंद है आपको? सारी नॉन हेल्दी चीजें पसंद है। ऐसे कैसे आप नॉन हेल्दी खाते हैं? वेज हूं तो सब नॉन हेल्दी वेज चीजें पसंद है। अच्छा, नॉन हेल्दी फ्राइड चीजें? फ्राइड चीजें वो, लेकिन वो उसको मतलब सही तरीके से फिर मेटाबॉलिज्म जैसे आप फिट हो वो कैसे रहती बताइए। तो उसके लिए एक्चुअली हाँ। मैं वर्कआउट नहीं करती हूँ अभी तक और लोग मुझे डराते हैं कि हरपाल जी जब भी आप खाना बनाते हो आप बड़ा घी डालते हो, ये डालते हो, वो डालते हो और ये वर्कआउट नहीं करके देखिए ऐसे रहती है। इनको ब्रेड पकौड़े बहुत पसंद है। मेरा फेवरेट है, मैं कॉलेज टाइम पे ब्रेड पकौड़ा मिलता था। मैं थर्सडे को सुबह 7 बजे मैं अलार्म लगाती थी 6:30 बजे का टू गो एंड गेट द फ्रेश ब्रेड पकौड़ा। मैं मतलब मैं पहली होती थी मैस में जाने। इसीलिए जब मैंने कुछ पोस्टिंग की थी तो आपने कहा कि ब्रेड पकौड़ा नेक्स्ट टाइम इन इंडिया ब्रेड पकौड़ा। सो आई एम मेकिंग समथिंग बहुत स्पेशल बना रहा हूँ इनके लिए, ब्रेड पकौड़े जैसी चीज़ें बना रहा हूँ लेकिन मैं ब्रेड कटलेट्स बना रहा हूँ और वो भी स्टफिंग के साथ, बहुत मज़ेदार है। तो दिस इज स्पेशल फॉर प्राची, द बोल कम्स इन, बोल ले लिया हमने और चलिए आप भी बनाते जाइए। हाँ चलिए चलिए आप बनाइए, आलू डाल दीजिए हैं। तो ये हाँ ये उबले हुए आलू डाल दीजिए इतने, चलिए ठीक है। ये आलू डाल लिया, चीज़ डाल दीजिए, आप पूरा डाल दीजिए। अब जब डाल ही रही है तो यस चीज इज हेल्दी जी बिल्कुल, और पनीर तो उससे भी हेल्दी है ना, ना बिल्कुल। सो ओके ओके एंड देन आधा प्याज डालिए। हाँ तो एक कटा हुआ प्याज बारीक काट के वो डाल ले और धनिया इतना बारीक काट सकती है आप? नहीं Yes. See, everything tastes so nicely. Wow. चलिए और डाल दीजिए धनिया, वाह क्या बात है। और फिर गरम मसाला डाल लेते हैं। हाँ a little more, 1 teaspoon फुल एक, हाँ ये एक चम्मच, हाँ ये भी एक छोटा चम्मच डाल लें आमचूर पाउडर इतना, या एक छोटा चम्मच। और लाल मिर्च तीखा खाती हैं? खाती हूँ। अच्छा तो ये आधा छोटा चम्मच, हाँ ठीक है आधा छोटा चम्मच। चलिए कैन सी द आई कैन सी यस ग्रीन चिलीज यस। तो ये पूरा डालें या नहीं आधा डाल लीजिए। चलिए दो कटी हुई हरी मिर्चें ये डाल लेते हैं। तो चलिए हल्दी आधा छोटा चम्मच, हाँ ओके। नाउ सॉल्ट कैसे डालना चाहेंगे आप? नमक चमक बिल्कुल, ओ जी नमक चमक, आई लाइक टू पुट लाइक दिस नाउ नो। So a little bit of salt in here. Chale. Now let's mix this up. And let me do that. Ye mix kar lete hain. To ye ek bahut interesting aur unique filling taiyar kar liye. Honestly, jab aisi cheeze banti hai na ghar pe, to ye jo filling hai na, kyunki puri feeling ke saath banayi gayi hai. To filling with the feeling. Next step, I've got bread here. ये मेरे पास ब्रेड है। अब ये घर पे आसान सी चीज है जो आप बना सकते हैं, इतनी मोटी सी चूरी लेना, चूरी लेना ठीक है जी। ये ब्रेड हलाल हो रही है? ब्रेड बिल्कुल ये एजेस काट लें क्योंकि ये रहेगा तो बहुत ज्यादा आप फोल्ड नहीं कर पा, नहीं आप फोल्ड नहीं कर पाओगे। तो जो हम करने वाले हैं ना उसमें ये आप फोल्ड नहीं कर पाओगे। सो नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज, अब ये एक बोल ले लेते हैं यही वाला, इसमें पानी ले लेते हैं, ब्रेड को ये डुबा लिया और प्रेस कर लें ठीक है। आहो जी एलो जी, तो ये फिर ये जो फिलिंग है ये ले लेते हैं एंड शेप इट लाइक अ कटलेट ओनली ओके एंड देन फिक्स इट अप हियर and see to it that you fold it in such a manner, ऐसे fold करें कि ये बंद हो जाए पूरा, नहीं तो और एक layer bread का आप लगा सकते हैं अगर वो बाहर आ रहा हो जी। ठीक है, this much is fine ना इतना? Yes, this is fine. अब ये इस तरह से want to try? बिल्कुल बिल्कुल, तभी आप वापस जब अकेले जाएंगी
तो मैं आपको याद करती हूँ। यस आज बनाया, बिल्कुल बताइएगा जरूर। क्वांटिटी आप बताइएगा मुझे, आई थिंक आप यू केप्ट इट हियर आई थिंक। First, actually, you can shape it up so that it's easier, you know. So the moment you shape it up, it's very easy to fold. So, थोड़ा सा shape में लेके ये आपने spread कर लें, ये फिर आसानी से press हो जाता है. You can shape it. तो अब ये जो सुंदर से हमने बनाए हैं bread के, ये डाल देते हैं. And the fact is, देखिए जैसे डालते ही you see it bubbling, it means almost hot enough. Correct, आपको color मिलेगा इसमें। तो अभी क्या मतलब कौन सी नई project कर रही हैं आप? Movie वगैरह कर रही हैं अभी नहीं कुछ? अभी आजकल मैं दुबई में काम कर रही हूँ। हाँ। तो दुबई में चीजें कर रही हूँ। अच्छा। तो, movie नहीं कर रही हूँ। अच्छा। अलग-अलग चीजें okay. वगैरह कर रही हूँ। Fantastic। शायद करूँ। Very good, very good. Hopefully जल्दी हम देखें आपको। और इसमें फ्राई करते वक्त दो चीज़ें होती है, बड़ा ध्यान देना पड़ता है। जैसे मैं आपको बताऊं, ये ऊपर आ गई हैं तो आपको लगे कि तेल का टेम्परेचर सडनली ड्रॉप हो गया, तो आप देखिए फ्राई हुआ ये निकाल दीजिए आप। अब ये बहुत ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब करेगा तो फट से ये निकाल लीजिए, इसको निकाल के रख दीजिए, तेल को वापस गर्म कर लेंगे, ठीक है ना। ये बड़ी छोटी सी टेक्निक है, ये ब्रेड ऊपर से अब क्रिस्प हो गई है कंपेरेटिवली, फ्राई होगी, लेकिन तेल का टेम्परेचर क्योंकि थोड़ा ड्रॉप हो गया तो आई डोंट वांट कि ये बहुत ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब करे, इसलिए हम निकाल देंगे, तेल को वापस गर्म करेंगे, डीप फ्राई करेंगे वापस। यस इट लुक्स लाइक, मुझे ये लगता है कि चीज़ें खाएं अच्छे से और बर्न आउट करें, जाएं जिम जाएं, बर्न आउट करें उसे। अगर मैं बना रही होती तो एक नाइट नहीं, ये हमने मतलब बचा लिया है अभी तो मेरा वाला भी बच गया। या एब्सोल्युटली, सो नाउ टेकिंग आउट दिस नाइस क्रिस्पी थिंग। अब ये जो हमने ब्रेड के एजेस बचाए इनको मैं फ्राई कर लेता हूँ। दीज आर मॉक फ्रेंच फ्राइज, देयर है ना, यू आर नॉट वेस्टिंग एनीथिंग जब तक। यस यस एंड आई हैव गॉट दिस ब्यूटिफुल चटनीस ऑफ सबरीनी, यू विल फाइंड देम इन ऑस्ट्रेलिया, रिसेंटली लॉन्च्ड, डेट एंड टैमरिंड। ओके क्या चाहिए और, है ना, इजी मिक्स। एंड वी हैव the beautiful the mock fries, okay, so that you can use them. It looks so beautiful. Yes, you're not wasting also, that's the beauty. और ये honestly बताऊं, जैसे कुछ चीजें होती है ना फ्री वाली जो मिले उनको खाने में मजा बहुत आता है या देखने में बहुत मजा आता है, तो ये वो वाली चीज है कि इस पे ध्यान नहीं ज्यादा जाएगा। You'll take this, probably you'll dip like this. This is now ready. अब ये मजेदार चीज प्राची देखना आप। Go ahead. बहुत गर्म है। बहुत गर्म है ना? It's too hot. आप खाएं पहले। नोश फरमाएं। Very interesting. Yes. डेट एंड चामरिंड चटनी के साथ बहुत अमेजिंग है। ठीक है सामान खाऊं थोड़ा सा, तो एक काम करते हैं कैमरा बंद कर देते हैं एंड यू गाइस कैन मेक इट एट होम, आसानी से बना सकते हैं क्योंकि प्राची को इस वक्त लगी भूख। हाँ तो लग जाओ। हाँ। अब बंद करो बस प्लीज। हो गया।